जय हिंद। इस वीडियो के अंदर आज मैं बात करूंगा यूपी से संबंधित बहुत ज्यादा अपडेट है, मतलब तीन अपडेट हैं जो कि आपके लिए जरूरी हैं, पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए जरूरी हैं, आपके एग्जाम यानी कि 60244 का भी अपडेट है, साथ ही में यूपीएसआई, यूपी फायरमैन एंड ऑल्सो यूपी जेल, इन सबकी वैकेंसी का भी हम जिक्र करेंगे। देखिएगा, अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिएगा कि आप सब कहाँ से हैं, इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं। अब देखिए, मैं थोड़ा मुद्दे पर आपको, सबसे पहले मुद्दे पर आपको मैं लेकर के चलता हूं, उसके बाद में जो बाकी जो रिमेनिंग जितनी भी अपडेट हैं उन सबको जो है मैं आपको बताऊंगा नंबर बाई नंबर। पहले आप ये देखिएगा, ये बड़ी ही अच्छी अपडेट है, आपके सामने है ये, देखिएगा आप पूरा मैंने पढ़ लिया है, वो आप पहले समझिएगा कि आपत्तियां जो भी आपने ऑब्जेक्शन लगाए थे कि साहब ये क्वेश्चन गलत है, आपत्तियों को अलग अलग श्रेणी में विभाजित करके उनका निस्तारण कराया जा रहा है, ये कंफर्म है क्योंकि जितनी भी आपत्ति लेनी थी वो सब लगा चुके हैं। आगे देखो, इस महीने के अंत तक पूरे कराए जाने के जो है वो लक्ष्य रखा गया है कि भाई जो भी ऑब्जेक्शन लगाए गए क्वेश्चन पर हैं, क्योंकि रिवाइज्ड आंसर की भी निकालनी है, तो भाई इस महीने में पूरा पूरा इस मैटर को खत्म कर दिया जाए, पूरे पूरे जितने भी ऑब्जेक्शन हैं उन सभी सवालों पर जो है वो ये डिसाइड किया जाए कि सही क्या है गलत क्या है। आगे देखिएगा कि इसके बाद में कट ऑफ अंक जारी किए जाने संघ अभ्यर्थियों के, इस देखो जैसे ही इसका रिवाइज आंसर की आएगा, ये बोल रहा है कि इसके बाद में फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा, अभिलेखों की जांच यानी DBPST, शारीरिक मानक परीक्षण की प्रक्रिया शुरू कराने की भी तैयारी में है भर्ती बोर्ड, इसके लिए अलग अलग एजेंसी का सहयोग लिया जाएगा, सिपाही भर्ती परीक्षा पहले 18-19, क्या 18-19 को हुई थी, कमेंट करके बताइएगा क्या 18-19 को ये फरवरी में हुआ था। देखो एरर जो है वो न्यूज़पेपर से भी हो सकती है, तो कमेंट करके बताओ इस वाली लाइन में क्या क्या गलती है। देखो पहले जो परीक्षा हुई थी वो 18-19 फरवरी को 4 पालियों में हुई थी, पेपर लीक होने के कारण परीक्षा निरस्त कर दी गई थी, फिर भर्ती बोर्ड ने सुरक्षा कारणों के से 5 दिनों में कुल 10 पालियों में जो है वो आपका लिखित परीक्षा कराया था, ये एक अपडेट थी। अब इससे हमें एक संतुष्टि ये मिलती है कि आपका महीना चल रहा है सर जी सेप्टेम्बर, क्या चल रहा है बताओ, सेप्टेम्बर चल रहा है, ये पूरा सेप्टेम्बर ले जाएगा जितना भी आपने ऑब्जेक्शन लगाया हुआ क्वेश्चन है उन सब को जांच करने में, और इसके बाद में आपका रिवाइज्ड आंसर की आएगा। देखो रिवाइज्ड जो आंसर की आएगा वो आप ये मान लीजिएगा कि अक्टूबर, मान नहीं 100% है यार, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, क्या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में रिवाइज्ड आंसर की आ जाएगी, और जैसे ही रिवाइज्ड आंसर की आएगी, और एक मैं आपको बता दूं कि रिवाइज्ड कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि रिवाइज्ड आंसर की जैसे ही आई है वैसे ही आपका रिजल्ट भी आ गया है, ये भी हुआ है, तो इसलिए ऐसा ज़्यादा ना सोचें कि रिवाइज आंसर की भी उसके बाद में जो है वो काफ़ी लंबे समय के बाद में आपका फिजिकल होगा। एक्चुअल में ये सब जो तैयारियाँ इसमें लिखी गई हैं वो 40,000 भर्ती को लेकर के है, किसको 40,000 सिपाहियों की जो नई भर्ती होगी उसको लेकर के ये सारी तैयारियां जल्दी में है, तो ऐसे में भाई मेरे आप भी बिल्कुल तैयार रहे, जिनके भी नंबर अच्छे हैं स्वाभाविक सी बात है वो अपने फिजिकल को जरूर तैयार कर लें, फिजिकल की तैयारी करें, और जब आप रोजाना दौड़ने जाएंगे, रोजाना फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे तो आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा, शाम को जाओ सुबह जाओ और आप एक मोटिवेटेड रहते हैं, यस ना, जब भी आप अपने साथियों के साथ में दौड़ भाग करने के लिए जाते हैं यार, मतलब देखो वो एक अलग समय की बात है कि आपका चयन होगा नहीं होगा, लेकिन जब आप रोजाना जाएंगे ना एक महीना, सही बता रहे, जो आपके पड़ोसी जो आपसे जलते हैं वो रोजाना, मतलब लगातार आप 1-1.5 महीने तक लगातार आप उन्हें जला सकते हो, ऐसा है कि यार मतलब अरे देखो यार फलाने का लड़का तो जो रोजाना दौड़ने जाता है, चार गांवों में चार बैठने वाला भी ये ज्ञान दे, अरे भाई उसका तो नंबर आ गया, यस ना, तो इसलिए फिजिकल की तैयारी अभी से चालू कर दीजिएगा, यस ना, अगर आप चाहते हैं कि भाई पड़ोसी को जो है जलाना जरूरी है, और सही बता रहा हूँ पड़ोसी ही जो होते हैं ना वो मतलब एक तरह से मोटिवेट की करते हैं इनडायरेक्ट या डायरेक्ट, लेकिन आपको भाई फिजिकल की तैयारी जो है वो जरूर कर लेनी चाहिए। चलिएगा, अब मैं आपको अगली अपडेट से रूबरू कराता हूँ, यहाँ पर आप मैं लेकर के चलता हूँ। देखिएगा, जितने भी यूपी के अंदर खाली पद हैं वो समय से भर दिए जाएं, ये आपको पता हुआ यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ये बयान है। देखिएगा, सकुल संपन्न हुई उत्तर प्रदेश भर्ती की परीक्षा ये मॉडल बन चुकी है, मतलब सही बताए ना, वर्ल्ड के अंदर सिविल पुलिस के अंदर पूरे संसार में पहली बार है कि इतने पदों पर भर्ती आई और इतने अच्छे तरीके से इसको कंप्लीट किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रक्रिया को अन्य भर्ती बोर्ड के द्वारा भी जो है वो अपनाया जाना चाहिए, क्योंकि भर्ती बड़े अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से जो है वो
सकुशल संपन्न हुई है। इसमें बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं और वो क्या क्या लिखी गई हैं। अब देखो ये जो मीटिंग हुई थी ना, मॉडल बना दिया परीक्षा की, इस प्रक्रिया को अन्य भर्ती बोर्ड के द्वारा भी अपनाया जाए। परीक्षा सकुल संपन्न कराने के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीसीटीवी का भी सहायता लिया जाए, अफवाह को रोकने पर पूरा ध्यान दिया जाए। ये जो है वो अपने जो भी मीटिंग हुआ था उस मीटिंग के अंदर ये निकला हुआ निष्कर्ष है जो मैंने आपको बताया। इसके बाद में आपको एक ये भी आपको कटिंग देखने को मिलेगा कि यूपी के अंदर 39,500 खाली पद हैं और जिनको भरना बहुत जरूरी है और उनको जल्द भर देना चाहिए। तो इनके अंदर देखो भाई, इनके अंदर मैं आपको बता दूं, इनके अंदर जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का है ना मेरे भाई, वो 40,000 भर्ती जो है वो इसी के अंदर जो मेंशन की गई है। इसके साथ में यूपी एसआई का भी भर्ती है, जेल का भी भर्ती है और फायरमैन का भी भर्ती है। ये सब बड़ी डिमांडेड है, मतलब इनकी बहुत ज्यादा मांग है, बहुत ज्यादा विद्यार्थी जो होते हैं इनकी तैयारी करते हैं। तो ये जो जितने भी खाली पद है ना, इनके अंदर ये वाली जो भर्तियां है ना मेरे भाई, ये आपको देखने को मिल जाएंगी। अब ये पूरा पढ़ लेके आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि क्या क्या है। देखो तत्काल प्राप्त करें अध्याचन, यानी जितने भी विभाग हैं उनके अंदर जितने भी खाली पद हैं उन सभी का प्रस्ताव भेजा जाए और अध्याचन प्राप्त करके उनको भरा जाए। देखो मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में ई अध्याचन पोर्टल की व्यवस्था की गई है, सभी विभाग इसका उपयोग करें और जितने भी रिक्त पद हैं उन सभी का डाटा जो है वो हेडक्वार्टर तक पहुंचाएं। ये एक बात है। आगे इन्होंने बड़ी अच्छी अपडेट दी है कि प्राइवेट संस्था को न बनाए परीक्षा केंद्र, क्योंकि आपको पता होगा इससे पहले जो फरवरी में परीक्षा हुई थी ना मेरे भाई, वो प्राइवेट संस्था पर ही हुई थी और ऐसे में आप देख लीजिएगा कि गड़बड़ घोटाला कितना हो गया। इसीलिए प्राइवेट संस्था, क्योंकि देखो प्राइवेट को इतना रेस्पॉन्सिबल नहीं होता ना, देखिएगा एक सरकारी आदमी है, ठीक है, एक सरकारी आदमी है। अब सरकारी आदमी जो है ना वो एक लिमिट में दायरे में रहेगा, यस ना, और एक प्राइवेट आदमी है वो एकदम अनलिमिटेड रहेगा, एकदम खुली छूट रहेगी, यस ना। तो ऐसे ही जो भी सरकारी, अब मान लो आपकी ही नौकरी है यार, आप क्या चाहोगे कि आपकी बताओ नौकरी चला जाए, आप सस्पेंड हो जाए निलंबित, तो नहीं चाहोगे, यस ना। प्राइवेट पर क्या फर्क पड़ेगा बताओ, किसी भी परीक्षा केंद्र पर गया परीक्षा करवाने के लिए कितना मिलेगा बताओ उसे, मान लीजिएगा अगर वो एग्जामिनर भी बनता है तो 1,000-2,000 पर डे के हिसाब से उसे मिल जाएगा दोनों शिफ्टों के हिसाब से, वो भी ना मिले तो उसे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन वहीं सरकारी हो, सरकारी की बड़ी जिम्मेदारियां होती है। तो इसीलिए इन्होंने बोला है, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि ट्रांसपोर्ट एजेंसी परीक्षा केंद्रों के चयन की प्रक्रिया में पूरी सावधानी बरतें, गोपनीयता हर हाल में सुनिश्चित की जाए, अधिकृत एजेंसी के साथ चयन बोर्ड और आयोग का MOU भी होना चाहिए, कि मतलब शर्तों वाला जो MOU साइन होता है। किसी भी प्राइवेट संस्था को परीक्षा केंद्र न बनाए जाए, केवल राजकीय और राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों को ही परीक्षा केंद्र बनाया जाए, परीक्षा केंद्र का चयन जिलाधिकारी जिला विद्यालय निरीक्षक के निर्देश पर किया जाए। मतलब ये सारी चीज़ों को देख करके अब ये लगता है कि ये भर्ती में बहुत जल्द कंप्लीट होगी, साथ ही में आगामी जो भर्तियाँ वो भी बहुत जल्द जो है कंप्लीट होने वाली है। तो आप अपने फिजिकल की मेरे भाई तैयारी करते रहें। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, और इसी के साथ में देखिएगा एसएससी जीडी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है उनके लिए बुक्स का बड़ा ही अच्छा होना जरूरी है। तो देखिएगा चक्षु प्रकाशन ने एसएससी जीडी के लिए 2025 के लिए बेहतरीन बुक जो है वो लॉन्च कर दी है मार्केट के अंदर, जिसमें का आपको हिंदी मैथ्स रीडिंग जीके जीएस की चारों कंबाइंड कॉम्बो पैक आपको मिल जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक झलक दिखाता हूँ, सामान्य ज्ञान की ये पुस्तक मेरे सामने है और सामान्य ज्ञान मतलब देखो प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे ये चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज आपको इस बुक के अंदर आपको मिल जाएंगे। 2024 23 21 के अंदर 19 के अंदर जो भी क्वेश्चंस आए थे वो सब आपको टॉपिक में आपको मिल जाएंगे। पूछी आप यहां पर देख पाएंगे इंडियन हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी इंडियन इकोनॉमी और आपका केमिस्ट्री, ये पूरी चीजें जो आपके एग्जाम में आती है चैप्टर मिलेगा। और देखो जैसे इंडियन हिस्ट्री है तो इंडियन हिस्ट्री के जितने भी सवाल आए थे वो इस बुक में जो है वो आपको देखने को मिलता है। रीजनिंग का बुक भी जो है बड़ा ही बेहतरीन बुक है, मैंने आपको पहले ही बताया था रीजनिंग का ये बुक है, ये आप बाय कर सकते हैं। ये आप देखो इधर आपका मैथ का हो जाएगा, जीके जीएस का हो जाएगा और हिंदी का हो जाएगा, मतलब ये चारों जो कॉम्बो पैक दे रखा है ये आप एक ही बुक के अंदर एक टॉपिक के अंदर ही आप देख पाएंगे। जितने भी टॉपिक से सवाल आए थे वो सब टॉपिक वाइज होता है ना, वो इन बुक के अंदर जो है वो दे रखा है। तो इस बुक को जो है वो जरूर परचेज करें आप नजदीकी बुक स्टोर पर जाकर के, या फिर आप ऑनलाइन भी इनको घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं, मंगा सकते हैं, सस्ती प्राइस है, मतलब आराम से आपको पूरा जोड़ा पूरा सेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। अलग अलग आपको बुक जो है वो अलग अलग प्रकाशन की बाय नहीं करनी पड़ेंगी, ये रीजनिंग का हो गया, मैथ का हो गया, जीके जीएस एंड हिंदी का हो गया। तो ये आप जो वो बेहतरीन बुक है, इसको आप जरूर बाय करें, चलेगा। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।